हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शान। आप देख रहे हैं शान सर कंप्यूटर क्लासेस। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो क्लासेस है वो एमएस वर्ड के ऊपर है, और एमएस वर्ड के ऊपर आज मैं थ्योरी एंड प्रैक्टिकल लेकर फिर से उपस्थित हूं, वीडियो नंबर 3। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अगर अच्छी लग रही है, तो सब्सक्राइब करना ना भूले तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाह रहा हूं कि आप तमाम छात्र छात्राएं जो हमारे बारसोई अनुमंडल के हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं YouTube के माध्यम से। और मैं आपको इस लॉकडाउन 4.0 में लाया हूं एक विशेष ऑफर, जो कि लगातार डेली बेसिस पे क्लास होगी एमएस वर्ड की, जो कोर्स BCA है 6 महीने की, बिल्कुल मेरी YouTube चैनल पे फ्री दी जाएगी। तो दोस्तों, कुछ बातें लेकर आया हूं आपके सामने। तुम मिल गई हो तो खुदा भी नाराज है मुझसे, कहता है अब तो तू कुछ मांगता ही नहीं। खुदा ने मुझसे खुदा दिया और क्या मांगू, खुदा ने मुझे खुदा दिया, खुदा से और क्या मांगू। तो दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब आप सब हमें मिल गए हैं तो मुझे और किसी चीज की क्या जरूरत। तो आपका प्यार, आपका साथ इसी तरह हमारा बरकरार रहे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें इसी तरह से प्यार करते रहें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो नंबर 3 लेकर। आप डेस्कटॉप के ऊपर देख रहे होंगे कि एक PDF फाइल है। PDF फाइल्स के अंदर मैंने आपको एक बार रिविजन कर देता हूं। एमएस वर्ड की ऑफिस मेनू बटन के विषय में बता रहा था, तो आज हम ऑफिस मेनू बटन का क्लास नंबर 3 लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम है क्लोज ऑप्शंस, हाउ टू क्लोज ए फाइल इन एमएस वर्ड। अगर आप एमएस वर्ड में किसी भी फाइल्स को क्लोज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों, हाउ टू क्लोज ए फाइल इन एमएस वर्ड। सबसे पहले आप गो टू ऑफिस मेनू बटन में जाएं, वहां पे क्लिक ऑन करें। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक ऑन करते हैं तो क्लोज ऑप्शंस होगी, वहां पे आप क्लिक ऑन करते हैं। जैसे आप वहां क्लिक ऑन करते हैं तो नोट योर एमएस फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स विल बी क्लोज इन एमएस वर्ड। आपकी फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स जो भी होगी वो क्लोज हो जाएगी एमएस वर्ड के अंदर। तो सबसे पहले चलते हैं, प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखा दे रहे हैं। एमएस वर्ड को आप ओपन कर ले। ओपन करने के बाद आप ऑफिस मेनू में चले जाएं, वहां से आप सबसे नीचे वाले क्लोज ऑप्शन में चले जाएं और यहां पे क्लिक करेंगे। आप जैसे क्लिक कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपकी जो एमएस वर्ड की फाइल थी वो क्लोज हो चुकी है। अब दोस्तों, चलते हैं आगे में। अब हाउ टू एग्जिट, यानी कि एग्जिट वर्ड ऑप्शंस, हाउ टू एग्जिट ए एमएस वर्ड। आप देख रहे होंगे वीडियो में कि हमने फाइल्स को बंद किया मगर एमएस वर्ड अभी ओपन ही है। अब इस एमएस वर्ड को कैसे ओपन करेंगे, तो चलते हैं दोस्तों। गो टू ऑफिस मेनू, ऑफिस मेनू में आप चले जाएं, वहां पर क्लिक ऑन करेंगे। उसके बाद क्लिक ऑन एग्जिट ऑप्शंस, वहां पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वहां क्लिक करते हैं तो नोट योर एमएस वर्ड एप्लीकेशंस विल बी क्लोज, आपकी जो एमएस वर्ड के एप्लीकेशंस है वो बिल्कुल क्लोज हो जाएगी। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये हमारी एमएस वर्ड की एप्लीकेशंस ऑन है। ऑफिस मेनू में जाएंगे, यहाँ पे एग्जिट वर्ड होगी राइट साइड में, वहां पर आप क्लिक कीजिए। तो आप देखेंगे कि हमारी जो है एमएस वर्ड की फाइल क्लोज हो गई। अब दोस्तों, आप चलते हैं एक ऑप्शंस में जिसका नाम है वर्ड ऑप्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है दोस्तों। इस ऑप्शंस के अंदर हम लोग हाउ टू यूज ऑटो करेक्ट ऑप्शंस का प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये ऑटो करेक्ट ऑप्शंस होते क्या है। तो दोस्तों, मान लीजिए हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और हमारे बच्चे का नाम मुझे याद नहीं है, तो मैं एक कोड दे दूंगा और कोड के माध्यम से एक बैच डिवाइड कर दूंगा और बैच का नाम दे दूंगा। जैसे ही मैं कोड को प्रेस करूंगा तो उस बैच में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सारे बच्चे का नाम जो है ओपन हो जाएगी। वो किस तरह होगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करें, गो टू ऑफिस मेनू बटन में जाए, वहां पर क्लिक ऑन करें। क्लिक ऑन करके वर्ड ऑप्शन पे क्लिक ऑन करेंगे तो वहां पे एक प्रोफाइलिंग ऑप्शन होगी। प्रोफाइलिंग में आप क्लिक ऑन करते हैं तो आप देखेंगे गो टू राइट साइड सिलेक्ट इट ऑटो करेक्ट ऑप्शन, राइट साइड में ऑटो करेक्ट ऑप्शन होगी, आप वहां पर क्लिक ऑन कर दीजिए। आप जैसे वहां क्लिक ऑन करते हैं तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ऑफ हो जाएगी, आपको रिप्लेस
में आपको कोड देना है। मान लीजिए मैंने कोड दिया एस, और विथ विथ में एक कोड जो है एस, एस का फुल फॉर्म दे दीजिए, जैसे सांसर कंप्यूटर क्लासेस मैंने दे दिया। देने के बाद आप क्या करें, क्लिक ऑन एड बटन में क्लिक कर दें, क्लिक ऑन ओके, फिर आप क्लिक ऑन ओके कर दें। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, गो टू एडिटिंग एरिया, आपको एडिटिंग एरिया में जाना है। उसके बाद राइट योर कोड, जो आपने कोड दिया था उस कोड को लिखना है। उसके बाद प्रेस इट, आपको प्रेस करना है स्पेस बार या इंटर की। आप जैसे ही प्रेस स्पेस बार या इंटर की करेंगे तो आपकी जो कोड से जो आपने रिप्लेस किया था वो फाइल्स खुल जाएगी। तो चलिए दोस्तों करके देखते हैं। मैंने एमएस वर्ड को ओपन कर लिए, करने के बाद ऑफिस मेनू में चले जा रहे हैं, वहां पे वर्ड ऑप्शंस होगी, वहां पे क्लिक कीजिए। वहां से आप क्या कीजिए, प्रोफाइलिंग को सिलेक्ट कीजिए और एक बार क्लिक कीजिए, ऑटो करेक्ट ऑप्शन होगी, यहां पे क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ऑटो करेक्ट ऑप्शन होती है वहां क्लिक करें, उसका रिप्लेस में आप एस दे दीजिए, और एस का नाम आप फुल फॉर्म में दे दीजिए, जैसे मैं दे रहा हूं शान सर कंप्यूटर क्लासेस। देने के बाद आप एड बटन में क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब दोस्तों देखिए, ये जो है व्हाइट कलर का, ये हमारा एडिटिंग एरिया है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, आपने जो कोड दिया था वो कोड को लिखना है और प्रेस इट स्पेस बार और या तो इंटर आप दबाएंगे। जैसे मैंने एस कोड दिया था, एस को लिखा, उसके बाद स्पेस आप प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए एस का फुल फॉर्म आ गया सांसर कंप्यूटर क्लासेस। या आप एस लिख कर इंटर भी प्रेस करते तो भी डिटेल्स आता है। तो दोस्तों ये हमारी एमएस वर्ड की क्लास नंबर 3 थी। इसी तरह का क्लास, इसी तरह का वीडियो देखते के लिए आपको लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है और हमारी सारी वीडियो को अच्छी से एंड तक देखना है। और अगर मेरी वीडियो या मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप तमाम वाराणसी वासियों से और हम तमाम वाराणसी वासी के छात्र छात्राओं से अनुरोध करेंगे कि आप हमारा YouTube चैनल को लगातार इसी तरह से देखते रहें और आगे बढ़ते रहें। इससे ज्यादा और क्या कहेंगे, खुश रहे आपका, आप और आपका परिवार। दुआ में याद रखिएगा, आपका सांसद, धन्यवाद।